हेलो एवरी वन वेलकम टू एस आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे और आप लोग का पेपर भी अच्छा गया होगा आज इस वीडियो में संविदा शिक्षक वर्ग थ्री यानी एम पी टेट वर्ग थ्री का एक्सपेक्टेड कटआप के बारे में जानेंगे कितने नंबर लाने पर आप लोग को नियुक्ति मिलेगी या कितने नंबर लाने पर आप लोग का सिलेक्शन हो सकता है सबसे बड़ा मुद्दा है कि अभी आप लोग का नॉर्मलाइजेशन बचा हुआ है ठीक है इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी आप लोग को विश्लेषण करने वाले हैं कि आप लोग का यू आर एन जनरल का ई डब्ल्यू एस ओ बी एस सी एस सी एस टी का कितना कटाव जाने वाला है कितने नंबर करीब आप लोग लाए हैं तो आप लोग सिलेक्शन के बहुत ही करीब हैं तो चलिए बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं चैनल को आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि जो भी लेटेस्ट अपडेट आप लोग की संविदा शिक्षक वर्ग थ्री से रिलेटेड आएंगी तो आप लोग को इस चैनल पर सबसे पहले अपडेट कर दी जाएंगी तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए कीजिएगा और पूरी जानकारी के लिए आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा आप लोग से कितने नंबर आ रहे हैं तो आप लोग सेलेक्शन से कितने करीब हैं जो आप लोग के मन में सवाल है आप लोग पूछ सकते हैं या आप लोग एस एकेडमी के इंस्टाग्राम पर आ सकते हैं कहाँ पे एस एकेडमी के इंस्टाग्राम पे आ जाइए इंस्टाग्राम की लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे दी गई है आप लोग जो भी मन में सवाल हो आप लोग वहाँ से भी पूछ सकते हैं ठीक है आप लोग जरूर पूछेगा और अपना नंबर जरूर कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिएगा आप लोग इतने नंबर आ रहे हैं सबसे पहले हम लोग बात करते वाले हैं कि जो नंबर आ रहे हैं अभी तक जो पेपर हुए हैं अभी तक पेपर का जो लेवल है आप लोग बता दूँ मॉडेट टू इजी आ रहा है न कि टफ़ की ओर बढ़ा है मॉडेट टू टफ़ की ओर आ रहा है यदि आप लोग एग्जाम एनालिसिस से मेरा देखते हो मेरे चैनल पे देखते होगे गए आप लोगों को पता चल गया होगा कि किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं थोड़ा सा आप लोग बता दूँ थोड़ा सा अभी जो टफ़ पेपर आया है वो आया है ई का किसका ई डब्ल्यू यानी पर्यावरण अध्ययन का आया है इन्वायरमेंट का पेपर थोड़ा सा टफ देखने को मिला है मैथ्स का पेपर ईजी आ रहे हैं संस्कृत हिंदी के पेपर ईजी आ रहे हैं आप लोग के चाइल्ड डेवलपमेंट सी डी के भी पेपर आप लोग के ईजी आ रहे हैं मॉडरेट आ रहे हैं ईजी नहीं बोल सकते मॉडरेट आ रहे हैं मैथ्स के भी पेपर मॉडरेट संस्कृत और हिंदी जो है ये आप लोग को बहुत ही ईजी देखने को मिल है जो आप लोगों को अपडित गद्यांश पद्यांश है आंशिक पैसेज वो बहुत ही ईजी है जिनको करना आता है अपडित गद्यांश यानी आंशिक पैसेज वो लोग अच्छे से कर रहे हैं आप लोग को बता दूं जो नंबर अच्छे नंबर ला रहे हैं वो तो रेगुलर पढ़ाई करने वाले सिंसियर हैं बिना पढ़ाई करने वाले भी पचास साठ नंबर ला रहे हैं आप लोग बता दूँ बिना पढ़ाई करने वाले भी पचास साठ आ रहे हैं उनका इतना आ रहा है पचास साठ सत्तर से नीचे हैं आप लोग बता जो लोग बिना पढ़ाई किए पेपर देने जा रहे हैं उनका नंबर सत्तर से नीचे है हंड्रेड परसेंट से हो रहा है आप लोग समझ लीजिएगा जो लोग पढ़ाई बिना पढ़ाई किए पेपर दे रहे हैं उनका पचास साठ के बीच में है या पचास साठ से नीचे है अधिकतर बच्चे जो हैं थोड़ा बहुत न कह जिनका तुक्का लग गया है वो सत्तर के आसपास हैं ठीक है आप लोग ये बात ज़रूर ध्यान दीजिएगा जो बच्चे पढ़ाई किए हैं वही अस्सी प्लस पा रहे हैं ये सबसे बड़ी बात है नहीं बोला कि ज़्यादा पा रहे हैं लेकिन जो री सिंसियरली पढ़ाई की है अच्छे से पढ़ाई की है टाइम टेबल को अपने फॉलो किए हैं डे बाई डे पढ़ाई किए हैं डे बाई एनालिसिस देखे हैं डे दे बाई डे अपना प्रैक्टिस सेट लगाए हैं डे बाई टेस्ट सीरीज लगाए हैं वही अस्सी प्लस जा रहे हैं क्योंकि पेपर का लेवल थोड़ा सा सही, सही सही सटीक है यानी व्यापक इस बार पेपर बहुत ही अच्छी तरीके से बनाया है इस बात को जरूर ध्यान रखें यानी जो पढ़ाई किया है वही अस्सी प्लस ला रहा है तो आइए जानते हैं आप लोग का एक्सपेक्टेड क्या जाने वाला है मेल का अलग और फीमेल का अलग क्या जाने वाला है सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं अलग अलग देखते हैं पहले जनरल का देखेंगे फिर OEWS, फिर ओबीसी फिर एस और एस का ठीक है सबसे पहले हम लोग यहां पे लिख लेते हैं मेल और फीमेल आप लोग दिखेगा मेल और फीमेल हम लोग लिख रहे हैं यहां पे आप लोग समझिएगा और साथ साथ आप लोग दो दोनों के लिए बता रहा हूँ मेल और फीमेल के लिए आप लोग यहां पे जितने लोग वीडियो देख रहे हैं चाहे एस टी को हो चाहे ई डब्ल्यू एस को हो चाहे ओ बी सी चाहे एस सी या, या जनरल के आप लोग प्लस माइनस देख देखिए ध्यान दीजिएगा प्लस माइनस थ्री आप लोग लेके चलेगा प्लस प्लस ऊपर भी थ्री जोड़ सकते हैं प्लस माइनस भी थ्री आप लोग लेके चलेगा जैसे हम लोग कटाप बता दें जैसे आप लोग बता दिए एक 110 जा रहा है एग्जाम्पल बता रहा हूँ अभी कटाप एक्सपेक्टेड नहीं बता रहा हूँ एक जा रहा है तो आप लोग प्लस एक भी ले सकते हैं इधर और इधर आप लोग एक भी नंबर ले सकते हैं प्लस माइनस आप लोग का ऊपर नीचे हो सकता है इतना आप लोग जरूर ध्यान रखें ठीक है थीके? तो चलिए आप लोग देखते हैं कि आप लोग का जनरल का सबसे पहले हम लोग देखते हैं जनरल यानी यू आर का किसका यू आर आप लोग मान लेते हैं या जनरल का ठीक है यू आर या जनरल ठीक है यहाँ पर ध्यान दीजिएगा दोनों दोनों का कट ऑफ जो रहने वाला है देखिए मेल का मेल का रहने वाला एक सौ आठ क्या रहने वाला है एक सौ आठ ठीक है आप लोग ध्यान दीजिएगा एक सौ आठ वन जीरो एट वहीं फीमेल कैंडिडेट का बात करें तो ये रहने वाला नाइन्टी एट प्लस माइनस थ्री आप लोग जरूर लीजिएगा ठीक है ये रहा आप लोग का जनरल या यू आर कैटेगरी का आप लोग ध्यान दीजिएगा एक सौ आठ आप लोग का किसका रहेगा जनरल कैटेगरी यू आर कैटेगरी का और आप लोग का आ, आ, मेल का नेट रहेगा एक सौ आठ रहेगा फीमेल का नाइन्टी एट ठीक है आप लोग जरूर ध्यान दीजिएगा इस बात को वही आप हम लोग बात कर लेते हैं आप लोग का ए ई डब्ल्यू एस का यहाँ पे मेल फीमेल आप लोग ले लीजिएगा प्लस माइनस थ्री आप लोग लेकर लीजिएगा हर हर कैटेगरी में ई डब्ल्यू एस की बात करें ठीक है ई डब्ल्यू एस की बात करें तो इसमें आप लोग का एक सौ छः जाने वाला है कितना एक सौ छः जाने वाला है और यहीं पे बात की जाए आप लोग का फीमेल कैंडिडेट का तो नाइन्टी फोर रहने वाला है क्या रहने वाला है नाइन्टी फोर आप लोग के कितने नंबर आ रहे हैं आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा ठीक है और अभी आप लोग को बता दूँ नॉर्मलाइजेशन सबसे बड़ी मुद्दा है जो लोग भी देख चुके देख रहे हैं नॉर्मलाइजेशन अभी बचा हुआ है सबके नॉर्मलाइजेशन में दो नंबर चार नंबर पाँच नंबर अभी बढ़ेंगे Osionfish. इस बात को जरूर ध्यान रखें जितने भी नंबर अभी आप लोग के स्क्रीन पर दिखाई दे होंगे डिस्प्ले हो कंप्यूटर पर आप लोग एग्ज़ाम में उसमें आप लोग के तीन से चार या पाँच भी नंबर आप लोग को बढ़ते हुए दिखाई देंगे ठीक है इस बात को जरूर ध्यान रखें सभी के बढ़ते हैं अधिकतर न कहे किसी के घटते हैं लेकिन अधिकतर लोग के बढ़ते हैं आप लोग इस बात को जरूर ध्यान रखें तीन से चार या पाँच नंबर आप लोग को बढ़ते हर बढ़ते हुए देखेंगे हर कैटेगरी में ठीक है सभी के नंबर बढ़ेंगे अभी नॉर्मलाइजेशन बचा है जैसे ही पेपर इंड होता है छब्बीस तक पेपर है आप लोगों का पेपर के बाद आप लोग का यह जो है नॉर्मलाइजेशन आप लोगों का होने वाला है उसके बाद आप लोग का रिजल्ट जारी किया जाता है ठीक है इस बात तो वक्त जरूर ध्यान रखें और इस बार जो है सुनने वाला तेरह हजार पोस्टों पर भर्ती होने वाले कितने तेरह हजार पोस्टों पर भर्ती होने वाली है ठीक है आप लोग को ध्यान दीजिएगा पहले पांच हजार सुनने वाला था लेकिन अब पोस्ट भर्ती डिक्लेयर कर दी गई है जहां तक है वो कहाना है विधानसभा भवन में जो बजट पेश हुआ था उसमें बताया गया तेरह हजार शिक्षकों की भर्ती की जाएगी ई डब्ल्यू एस का आप लोग पता चल गया ई डब्ल्यू एस में आप लोग देख लीजिएगा एक सौ छह आप लोग का जाने वाला किसका मेल कैटेगरी का और चौरानवे जो है आप लोग का फीमेल कैटेगरी का अब देख लेते हैं ओ बी सी का ओबीसी और ई डब्ल्यू एस में आप लोग बता बात करें मेल और फीमेल प्लस माइनस थ्री आप लोग लीजिएगा ओ बी सी और प, आ, का नाम है ई uh, डब्ल्यू में ज़्यादा फर्क नहीं रहता है इसका सेम ही सेम रहता है 106 इसका भी जाने वाला है और फीमेल कैंडिडेट का भी आप लोग का 94 ही रहने वाला है यानी आप लोग समझ लीजिए 106 है आप लोग ध्यान दीजिएगा 106 है ये और आप लोग का ई का भी 106 था और 94 आप लोग का फीमेल कैंडिडेट का भी आप लोग का ई का भी था ओ का भी आप लोग का सेम रहता है एक दो नंबर का ना कहें इधर उधर फर्क होता है नहीं तो ई डब्ल्यू एस में कोई ज़्यादा फर्क नहीं रहता है ये रहा आप लोग का मेल फीमेल कैंडिडेट ओ बी का ठीक है अब देख लेते हैं हम लोग एस और एस का मेल और फीमेल ठीक है ये एस का सबसे पहले देखते हैं फिर एस का देखते हैं प्लस माइनस थ्री आप लोग ले लीजिएगा मैं बार बार बोल रहा हूँ आप लोग मेल कैंडिडेट यदि आप एस में 98 नंबर आए हैं तो आप लोग का अच्छे नंबर है गुड अटैम्प्ट है आप लोग सलेक्शन के बहुत ही करीब हैं और फीमेल कैंडिडेट का 90 आप लोग देख सकते हैं कितने 90 ठीक है इतने करीब हैं तो आप लोग के बहुत ही सलेक्शन करीब हैं ठीक है आप लोग ध्यान दीजिएगा और कमेंट करके अपना नंबर भी शेयर कर सकते हैं आप लोग या इंस्टाग्राम पर आप लोग मैसेज करके बता सकते हैं अब ले लेते हैं यस का मेल कैंडिडेट और फीमेल कैंडिडेट का आप लोग लीजिएगा जो भी लेटेस्ट अपडेट होगा आप लोग को बता दिया जाएगा आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा मैं यही बोल रहा हूँ ठीक है यश का जो होता है नब्बे आप लोग का जाने वाला है मेल में और फीमेल की बात किया है तो आप लोग का 86 आप लोग 84 से 86 सिक्स ले लेते हैं इसमें इसमें आप लोग क्या कीजिएगा यहाँ पे आप लोग इसमें नाइन्टी आप लोग इसमें एस में नाइन्टी यहाँ पर आप लोग एट्टी और एट्टी ले लीजिएगा इसके इसके बीच में आप लोग का रहने वाला है एट्टी से एट्टी के में ठीक है इस बात को आप लोग जरूर ध्यान दीजिएगा ये रहा आप लोग का एस का आई होप आप लोग को सभी का कटाब एमपीटेड का पता चल गया एक्सपेक्टेड कटाब है ये आप लोग को थोड़ा सा बढ़ भी घट सक घट भी सकते हैं लेकिन आप लोग के संभावित कटाप यही रहने वाले हैं आप लोग कितने नंबर आ रहे हैं आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिएगा जैसे ही कुछ न्यूज और आती है कि आप लोग नॉर्मलाइजेशन में इतने बढ़ रहे हैं या कुछ और अपडेट होता है तो आप लोग को बता दिएगा फिलहाल अभी की जो न्यूज है यही है ठीक है जो भी होगा आप लोग को बता दिएगा आप लोगों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले कर लेना है और वीडियो को शेयर कर देना है सभी लोग तक ये वीडियो पहुंच सके चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में धन्यवाद